पानी पीने से लेकर समंदर की गहराइयों तक आपको हजार तरह की शिक्षा मिल जाएगी। हर कोई यहाँ पर अपने आप को सब कुछ सर्वज्ञानी समझता है। जिसके पास भी जाओ उसके पास ज्ञान का भंडार भरा होता है। सभी ज्ञान के गुरु होते हैं। तो इसी को लेकर मैं भी आपके साथ एक सीख बांटना चाहती हूँ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज जायदा एंड वेलकम टू रोज जैसबंदी। दिस इज माय होम टाउन। आपको अब से कुछ अलग बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड चलते हैं आज के टॉपिक में। एक बार गांव के दो व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसे कमाने का फैसला लिया। शहर जाकर कुछ ही महीनों में इधर उधर छोटा मोटा काम करके उन्होंने पैसे जमा किए। फिर उन्हीं पैसों से अपना अपना बिजनेस स्टार्ट किया और देखते ही देखते उनका बिजनेस चल पड़ा। दो ही सालों में उन्होंने अपना अपना बिजनेस बहुत ही बड़ा कर लिया। दोनों को बहुत सारी तरक्की मिल चुकी थी। पहले व्यक्ति ने अपने इस तरक्की को देखते हुए सोचा कि अब तो मेरा बिजनेस चल पड़ा है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ते ही जाऊंगा। पर उसके विपरीत इसी साल उसके बिजनेस ने बहुत बड़ा घाटा देखा। और जब उसको पता चला कि उसके बिजनेस में घाटा हुआ है तो उसने सोचा कि ये क्या हो गया। वो पहला व्यक्ति इन घाटों के कारणों को खोजने के लिए निकला। सबसे पहले उसने सोचा कि मैंने जिसके साथ अपना बिजनेस शुरू किया था, क्यों ना मैं उसके पास जाऊं और देखूं कि उसका बिजनेस कैसा है अभी। और वो ये सुनकर हैरान रह गया कि जो दूसरा व्यक्ति था उसका बिजनेस अभी भी चल रहा है अच्छे से। इस महामारी और मंदी के दिन में भी उसका बिजनेस फल फूल रहा है, उसको मुनाफा हो रहा है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं उस दूसरे व्यक्ति से मिलूं और पूछूं कि इसका क्या रीज़न है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास गया। जब दूसरे व्यक्ति ने पहले वाले इंसान को देखा तो उसने उसको खूब आदर सत्कार से स्वागत किया और उसके आने का कारण पूछा। पहले व्यक्ति ने कहा कि दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे बिजनेस को बहुत सारा घाटा हुआ इस साल, पर तुम्हारे बिजनेस में तो मुनाफा ही होते जा रहा है, इसका क्या कारण है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यार, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात को गांठ बांध ली थी कि मैंने सीखना नहीं छोड़ा। मैं जितना भी आगे बढ़ा पर मैं सीखता रहा। मैंने अपनी पिछली गलतियों से और आने वाली दूसरों की मिस्टेक से भी बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखना नहीं छोड़ा। मार्केट के दूसरे कंपटीटर्स के जो घाटे होते थे उससे भी अपने आप को कंपेयर किया और सीखते गया। एक बार मुझे लॉस हुआ तो मैंने उसी लॉस से और सीखा ताकि मुझे दूसरी बार कोई नुकसान ना हो। और इसी सीखने के कारण मैं जीवन में मैं आज बहुत आगे चल पड़ा हूँ। पहले व्यक्ति ने सोचा कि हाँ, ये बात तो सही है, मैंने अपने आत्मविश्वास में आके सीखना छोड़ दिया था। पहले व्यक्ति ने अब निर्णय ले लिया था कि मैं ज़िंदगी में कितना भी आगे बढ़ूँ या कितना भी नीचे चला जाऊँ, सीखना नहीं छोड़ूंगा, सीखते रहूँगा। और उसी सीख के कारण पहले व्यक्ति की भी बिजनेस अब चल पड़ा था। उसने भी अपने बिजनेस में बहुत तरक्की की और उसकी बिजनेस ने आसमान को छू लिया। दोस्तों, जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मान हर पल सीखते रहिए। अगर आप खुद को सर्वज्ञानी समझने की भूल करोगे तो इस दौड़ में पीछे रह जाओगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ते रहे। तो ये थी आज की सीख। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।